नमस्कार दोस्तों, डेयरी विज्ञान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है होमोजेनाइजेशन एफिशिएंसी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो होमोजेनाइजेशन प्रोसेस के बारे में नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। होमोजेनाइजेशन मस्ट ऑलवेज बी सफिशेंटली एफिशिएंट टू प्रिवेंट क्रीमिंग, यानी होमोजेनाइजेशन जो है हमेशा एफिशिएंट होनी चाहिए क्रीमिंग प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए। सो रिजल्ट कैन बी चेक बाय USPHS मेथड। हम रिजल्ट चेक कर सकते हैं USPHS मेथड के थ्रू फॉर डिटरमाइनिंग द होमोजेनाइजेशन इंडेक्स। होमोजेनाइजेशन इंडेक्स को क्रीमिंग इंडेक्स, USPHS इंडेक्स भी बोलते हैं। USPHS की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिक हेल्थ सर्विस। फ्रेंड्स, अगर आपको थ्योरी ऑफ होमोजेनाइजेशन पे वीडियो चाहिए तो पोल में पार्टिसिपेट करें आई बटन से। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। सो होमोजेनाइजेशन इंडेक्स, ए लीटर ऑफ होमोजेनाइज्ड मिल्क मे बी स्टोर्ड अनडिस्टर्ब्ड इन ए स्पेशल ग्रेजुएटेड सिलेंडर। यानी होमोजेनाइज्ड मिल्क को हम स्टोर करते हैं एक स्पेशली ग्रेजुएटेड सिलेंडर में। ग्रेजुएटेड यानी जिसमें मार्किंग्स होती हैं ऐसा सिलेंडर, फॉर 48 आवर्स अबाउट 7 डिग्री सेल्सियस। सो देन द अपर 10% दैट इज 100 ml ऑफ मिल्क ड्रॉन ऑफ वेल मिक्सड एंड टेस्टेड फॉर फैट परसेंट ए। सिमिलरली रिमेनिंग 900 ml मिल्क इज स्टर्ड एंड टेस्टेड फॉर फैट कंटेंट भी। इसमें हम टॉप 10% मिल्क लेते हैं, उसको पहले रिमूव कर लेते हैं साइफनिंग के थ्रू और उसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद हम उसको टेस्ट कर लेते हैं, फैट परसेंट उसका टेस्ट करते हैं, और जो रिमेनिंग 900 ml है उसको भी स्टिर करके मिक्स करके अच्छी तरह से फिर हम उसके अंदर भी फैट कंटेंट चेक करते हैं। फैट परसेंट ऑफ अपर मिल्क डज नॉट डिफर बाय मोर देन 10% ऑफ इटसेल्फ फ्रॉम द फैट परसेंट ऑफ रिमेनिंग मिल्क। इसका मतलब है कि फैट परसेंट जो अपर मिल्क है और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ मिल्क है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10% का डिफरेंस आना चाहिए। फैट परसेंट में 10% का डिफरेंस आना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होगा तो ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। टॉप मिल्क कंटेन्स 4% मिल्क, देन द रिमाइंडर मिल्क हैव एट लीस्ट 3.6% ऑफ फैट। द डिफरेंस 0.4% इज 10% ऑफ द फिगर 4.0। सो हम पिक्चर से समझते हैं कि मान लीजिए ये हमने होमोजेनाइज मिल्क को एक कंटेनर में रखा है, एक सिलेंडर में रखा है। सो इसके अंदर फैट जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट है हर जगह पर, लेकिन 48 आवर्स एट 7 डिग्री सेल्सियस पे हम जब रखेंगे इसको तो कुछ फैट पार्टिकल्स जो होंगे वो धीरे धीरे राइज करेंगे डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। सो कुछ लेवल में जो नीचे मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर आने लगेंगे धीरे धीरे। सो एज सच ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, ठीक है। तो इसका टॉप 10% लेंगे हम, तो जैसे ये 10% और बाकी जो रिमेनिंग जो 90% रहेगा, ठीक है। सो पहले इसके अंदर कुछ कम पार्टिकल्स थे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आए तो थोड़े पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। सो जब हम फैट परसेंट ऑफ ए यानी कि टॉप पोर्शन, ठीक है, तो फैट परसेंट ऑफ ए निकालेंगे तो फैट इन टॉप मिल्क डिवाइड बाय 100 मीन्स वॉल्यूम इनटू 100। सो फैट परसेंट ऑफ बी इसी तरह से फैट इन रिमेनिंग मिल्क डिवाइड बाय 900 इनटू 100। सो होमोजेनाइजेशन इंडेक्स का फॉर्मूला होता है फैट परसेंट ऑफ अपर लेयर माइनस फैट परसेंट ऑफ रिमेनिंग मिल्क होल डिवाइडेड बाय फैट परसेंट इन रिमेनिंग मिल्क इनटू 100। सो अ होमोजेनाइजेशन इंडेक्स ऑफ 1 to 10 इंडिकेट सेटिस्फैक्ट्री होमोजेनाइजेशन। यानी होमोजेनाइजेशन इंडेक्स की वैल्यू जब 1 से 10 के बीच में आती है तो हम उसको सेटिस्फैक्ट्री होमोजेनाइजेशन मानते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट फैट परसेंट ऑफ अपर मिल्क इज इक्वल टू 5%, सो फैट परसेंट ऑफ रिमेनिंग मिल्क भी इज इक्वल टू 4.8%, ठीक है। तो होमोजेनाइजेशन इंडेक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूले से करेंगे ए बी
सॉल्व करेंगे तो 4.16 आ रहा है, ठीक है। तो ये हम सेटिस्फैक्ट्री होमोजेनाइज हुआ है, यानी ये प्रोसेस एफिशिएंटली हुआ है, होमोजेनाइजेशन हमने एफिशिएंटली की है। और ये होमोजेनाइजेशन इंडेक्स जितना नियर टू वन रहेगा उतना ज़्यादा हमारा होमोजेनाइजेशन एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी, यानी ज़्यादा बेटर रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।